पैकेट पर ओम और महाकाल मंदिर की तस्वीर के छपे होने से उसका अपमान होता है और इसके संबंध में उसे हटाने के लिए इंदौर हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा। कोर्ट ने मंदिर प्रबंधन समिति को 3 महीने में लड्डू और प्रसाद के पैकेट से इन तस्वीरों को और लिखा हुआ ओम हटाने को लेकर निर्देश दिए थे, लेकिन 4 महीने बाद भी ये आदेश का पालन नहीं किया गया। दरअसल उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में मिलने वाले प्रसाद, बाबा महाकाल के प्रसाद के लड्डू के पैकेट पर ओम और महाकाल मंदिर के शिखर की तस्वीर भी छपी होती है और इन पैकेट्स को प्रसाद ग्रहण करने के बाद अमूमन कचरे में फेंक दिए जाने की घटनाएं सामने आती हैं और श्रद्धालुओं की आस्था इससे आहत होने को लेकर 10 अप्रैल 2024 को इंदौर हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी कि प्रसाद के पैकेट से इन तस्वीरों को हटाया जाए और कोर्ट ने मंदिर प्रबंधन समिति को 3 महीने में लड्डू के पैकेट से तस्वीरों को हटाने का निर्देश दिया था, लेकिन 4 महीने से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी आदेश का पालन नहीं किया गया है। अब ऐसे में क्या मंदिर प्रबंधन पर कार्रवाई हो सकती है या इसके लिए कुछ और निर्देश जारी किए जा सकते हैं, इस संबंध में बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी अजय पटवा हमारे साथ मौजूद है उनसे। जी अजय जी, देखिए उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन ऐसे में श्रद्धालु भगवान महाकाल को चढ़ने वाला प्रसिद्ध लड्डू भी अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन कई श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो प्रसाद का सेवन तो वहीं कर लेते हैं लेकिन उन डब्बों को जो है वहीं डस्टबिन में या कचरे में फेंक देते हैं। लेकिन इंदौर के जो याचिकाकर्ता हैं अभिविष्ट मिश्रा जो हैं, उन्होंने जो है हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगाई थी कि महाकालेश्वर मंदिर में जो महाकालेश्वर मंदिर के जो शिखर और ओम का जो चिन्ह लगा हुआ है इससे जो है आस्था को ठेस पहुंचती है, ऐसे में मंदिर समिति को इस पर फैसला करके और इसको चेंज करना चाहिए ताकि इस पर प्रसादम या ऐसी कुछ लिखी जाए ताकि किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो। लेकिन 3 महीने से अधिक का समय बीत चुका है और इसके बाद याचिकाकर्ता ने एक बार फिर मंदिर समिति को एक नोटिस जारी किया है और उन्होंने कहा है कि 4 महीने का समय बीत जाने के बाद भी आपने अभी तक फैसला नहीं लिया है, क्योंकि मंदिर समिति ने 3 महीने का समय मांगा था और कहा था कि जो बचे हुए डब्बे हैं उनको हम खत्म कर देंगे तो इसके बाद नए डब्बे मंगाए जाएंगे और उनको नई डिजाइन कराई जाएगी। लेकिन कलेक्टर उज्जैन नीरज कुमार सिंह का कहना है कि हमने जो है बैठक में प्रस्ताव तो पास कर लिया है लेकिन उसकी डिजाइन होना बाकी है, जल्द ही इसकी डिजाइन तय की जाएगी और इसके बाद इसको जो है मंदिर समिति के द्वारा पास किया जाएगा और इसमें जो डब्बे हैं उन डब्बों पे जो फोटो लगी है शिखर की और ओम की वो हटा दी जाएगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि पिटीशन दायर करने वाले जो याचिकाकर्ता हैं अभिमिष्ट मिश्रा जी, उनके द्वारा याचिका की गई थी और उन्होंने जो नोटिस जारी किया है, अब उसके बाद आगे मंदिर समिति कितनी जल्द इस फैसले को मानती है या फिर आगे जो याचिकाकर्ता है वो कोर्ट जाएंगे। जी स्वाभाविक है जी, अभी जल्दी तो इसमें कुछ रह नहीं गया, 4 महीने से अधिक का समय हो चुका है, मंदिर प्रबंधन ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया और ना ही उन पैकेट्स पर से ओम की और शिखर की तस्वीर हटी और ये स्वाभाविक है कि आप प्रसाद ग्रहण करने के बाद उनके पैकेट्स को आखिर कहाँ रखिएगा संजोकर, तो उस पर इस तरह के नाम और इस तरह के मंदिर शिखर की तस्वीर होना स्वाभाविक रूप से प्रसाद का, भगवान महाकाल का, ओम का और शिखर के दर्शन का अपमान है और ऐसे में निश्चित रूप से न सिर्फ श्रद्धालुओं को बल्कि मंदिर प्रबंधन को भी इस बारे में बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए अजय। और अलीराजपुर से एक बड़ी खबर आई, जोबट कांग्रेस विधायक सेना पटेल के बेटे पर FIR दर्ज की गई है। विधायक के बेटे पुष्पराज सिंह उर्फ भैयू पर युवती को प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा। नगर पालिका की पूर्व CMO की बेटी को प्रताड़ित करने का आरोप इन पर लगा है और आत्महत्या के लिए उकसाने का भी आरोप इन पर लगा है। पुष्पराज सिंह पर युवती की दूसरी जगह सगाई होने के बाद भी परेशान करने का आरोप लगा। आरोपी पुष्पराज पर युवती के मंगेतर और उनके परिवार वालों को धमकी देकर सगाई तोड़वाने का भी आरोप लगाया गया। पुलिस ने कई विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, ये पूरा घटनाक्रम अभी इसमें कार्रवाई क्या कुछ की जा रही है, FIR तो दर्ज हो चुकी है?
बिल्कुल देखिए, बड़ा ही संवेदनशील मामला जो है वो अलीराजपुर से सामने आया है। अलीराजपुर का जो जोबड़ विधानसभा क्षेत्र है, वहां से विधायक हैं सेना पटेल और उनके बेटे हैं पुष्पराज पटेल, जिन पर ये गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने एक युवती को प्रताड़ित किया, न सिर्फ युवती को बल्कि उसके मंगेतर को भी धमकी दी, और जिसके चलते उसने एक बड़ा कदम जो है आत्महत्या का उठाया। आत्महत्या के लिए उकसाने का ये जो पूरा मामला है वो निकल कर सामने आया। ये बताया जा रहा है कि जो पुष्पराज पटेल है वो लगातार युवती पर शादी करने का दबाव बना रहे थे, और इसके चलते ये पूरी जो घटनाक्रम है वो हुआ है, वो अंजाम तक पहुंचा है। इससे पहले भी ये बताया गया कि जब युवती की एक बार सगाई होने वाली थी, तब भी जो उनके मंगेतर थे उनको पुष्पराज पटेल के द्वारा धमकाने का, डराने का काम किया गया, और उसके चलते सगाई टूट गई। फिर दूसरी बार भी इसी तरीके की स्थिति बनी और युवती ने आत्महत्या जैसा जो कदम है वो उठाया। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच की बात कर रही है। पुलिस का ये कहना है कि बिना किसी राजनीतिक दबाव के ये पूरी कार्रवाई जो है वो की जाएगी, और जो पीड़ित पक्ष है उसको तथ्यों के आधार पर न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले में सियासत भी अब गर्मा गई है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस एक तरफ तो महिलाओं की बात करती है, महिलाओं के हितों की बात करती है, और दूसरी तरफ उनके ही जो नेता है वो महिलाओं को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। जी स्वाभाविक है, और इस पूरे मामले में अब जो कार्रवाई होगी उस पर डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास वासु। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। और छत्तीसगढ़ को अब एक और नई वंदे भारत मिलने वाली है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे, और पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रायपुर रेलवे स्टेशन पर भव्य कार्यक्रम होगा, और कार्यक्रम में राज्यपाल, सांसद और विधायक भी मौजूद रहेंगे। सीएम साय कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ेंगे, और यहां 300 किलोमीटर दूरी सिर्फ 5 घंटे में पूरी हो सकेगी, और ये वंदे भारत ट्रेन की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अब छत्तीसगढ़वासी इसमें यात्रा कर सकेंगे। ये नई ट्रेन जो कि आधुनिक संसाधनों से पूरी तरह से लैस है, ऑटोमेटिक ओपन एंड क्लोज डोर, इसके अलावा अनाउंसमेंट्स और जो ट्रेन के बारे में सूचना है उसके लिए डिस्प्लेज यहां पर लगी हुई हैं, स्क्रीन्स लगी हुई हैं उन पर, ट्रेन की गति, अगला गंतव्य और उसके संबंध में अनाउंसमेंट्स की जाती हैं। और ये ट्रेन जिसकी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, और ऐसे में इस ट्रेन से 300 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय किया जा सकेगा, और बेहद सुविधाजनक और आरामदायक ये सफर रहने वाला है। इसके बारे में बात करेंगे हमारे सहयोगी तनु वर्मा, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी तनु, जो है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत होने वाली है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस ट्रेन को जो है हरी झंडी दिखाएंगे, और उसको लेकर राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन में भव्य कार्यक्रम का भी जो है आयोजन किया गया है। करीब 3 बजे से ये कार्यक्रम जो है शुरू हो जाएगा, जिसके बाद 4:15 पर आज रायपुर रेलवे स्टेशन से ही इस ट्रेन को जो है रवाना की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि रायपुर से विशाखापट्टनम की 300 किलोमीटर की दूरी वाले इस सफर को ये ट्रेन जो है केवल 3 घंटे में पूरी करेगी, और आज इस ट्रेन को रायपुर से रवाना किया जाएगा करीब 4:15 पर। लेकिन इसके बाद से ये ट्रेन जो है दुर्ग से चलेगी, क्योंकि दुर्ग में ही कोचिंग यार्ड जो है वो बना हुआ है। ऐसे में दुर्ग से नियमित रूप से 5:45 पर इस ट्रेन को सुबह जो है रवाना किया जाएगा। इसके साथ ही आज 4:15 पर इस ट्रेन को रवाना किया जाएगा, उसके बाद ये रात के 12:20 पर तमाम स्टेशन होते हुए ये विशाखापट्टनम पहुंचेगी। तो इसको लेकर तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। 4:15 पर इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी, और इस कार्यक्रम में सांसद है, राज्यपाल है समेत तमाम विधायकगण भी जो है वो मौजूद रहेंगे, और इसके बाद से नियमित रूप से ये दूसरे दिन से 5:45 से दुर्ग से चलनी शुरू हो जाएगी, और इस ट्रेन को गुरुवार को छोड़कर हफ्ते में पूरे 6 दिन जो है चलेगी। इसके साथ ही रेलवे के अधिकारियों ने इसको लेकर तमाम तरह की जानकारी जो है दी है। उनका कहना है कि ये ट्रेन जो है पूरी तरह से सुविधाजनक और तेज गति जो है यात्रियों को प्रदान करेगी। इसके साथ ही और भी तमाम सुविधाएं इस ट्रेन में जो है दी गई है, तो एक बड़ी सौगात फिर आज जो है छत्तीसगढ़ वासियों को जो है मिलने वाली है। जी स्वाभाविक है, और ये ट्रेन यात्रियों के लिए सुखद हो इस बात की कामना के साथ ही आज जब इस कार्यक्रम की तस्वीरें सामने आएगी फिर जानकारी के लिए लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए तनु।
और बढ़ते आगे, रायपुर से बरामद गोलियों के जखीरे की जांच में तेजी आई है। दरअसल ये बुलेट से जिनकी अलग अलग एंगल से जांच हो रही है। रायपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। पुलिस महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बंदूक की गोलियों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। गोलियों का ये जखीरा नाले में मछली पकड़ने गए बच्चों को मिला। मौके पर पहुंची तेलीबांधा पुलिस ने गोलियों को जब्त कर लिया। ये बंदूक की गोलियां हैं, ये बुलेट्स जो कि बच्चों के हाथ लग गई थी, और करीब 86 राउंड गोलियां मिलने की जांच अभी की जा रही है। और इसके बारे में जो मछली पकड़ने के लिए बच्चे गए हुए थे उन्होंने सूचना दी, और जब मौके पर पुलिस पहुंची तो करीब 80 राउंड गोलियां यहां पर मौजूद थी, और जो कि नाले में मछली पकड़ने गए बच्चों को सबसे पहले दिखी थी। नाले के में हम लोगों को लगभग 86 राउंड्स कारतूस मिले हैं, और ये कारतूस अलग अलग वेपन्स के हैं। कई बार ऐसे कारतूस पे हम लोग को शक रहता है कि कहीं आवाजी कारतूस या प्रैक्टिस करने वाले पुराने कारतूस तो नहीं है। इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं, और अभी आर्मरर को जांच के लिए इसके बैच नंबर के भी जांच के लिए दिया गया है कि इसमें किस मेक से मेक नंबर क्या है, कब अलॉटमेंट हुआ है, इसमें जाँच जारी है। कुछ दिन में इसमें ज़रूर हम लोग, और इस मामले पर जानकारी लेने के लिए हम चलेंगे हमारे सहयोगी युगल तिवारी के पास। युगल, ये 86 राउंड यानी 86 राउंड गोलियां वो भी अलग अलग वेपन्स की मिली हैं, ये बड़ा मामला हो सकता है। आखिर ये यहां पर क्या कर रही थी और कौन इसके पीछे है, ये कई सवाल खड़े हो रहे हैं इस पर। ये बिल्कुल आप ये देखिए काफी गंभीर विषय है। जो असॉल्ट राइफलें हैं 303 है, इसके अलावा इंसास है, और जो मशीन गन है इनकी जो बुलेट है 86 राउंड की जब्त की गई थी, बरामद हुआ था, और इसमें इजी जांच करना क्योंकि छत्तीसगढ़ के 12 ऐसे जिले हैं जो माओवाद प्रभावित जिले हैं। अगर ये पुलिस के या फिर सुरक्षा बलों की गोलियां होती तो बकायदा उन्हें अलर्ट किया जाता है, गोली की गिनती की जाती है। तो इतने बल्क में अगर जो गोलियां मिली है तो कहां से आया है, और चूंकि वो ट्रांसपोर्ट क्षेत्र है तो कहीं दीगर राज्य से या फिर किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए तो इतनी मात्रा में गोलियां नहीं लाई थी। तो ये असॉल्ट राइफल की गोली जो जब्त की गई है तो उसको लेकर के जांच में तेजी आई है, और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डॉक्टर संतोष आसी ने इसे सभी को लाइन भेजा है। आर्मोरर पूरे जो लाइन में जो आर्मोरर रहता है इसकी बेच नंबर और कब इशू हुआ सभी के मिलान कर रहे हैं। तो जिन जिन पुलिस अधिकारियों को की सुरक्षा पे या वीआईपी सुरक्षा में जो लगे हुए हैं उनके सभी के जो मिलान किए जाएंगे। हालांकि ये प्रोसेस लंबा है लेकिन सटीकता से जांच भी होनी चाहिए क्योंकि माओवाद प्रभावित जिला है, और इससे पहले भी दिगर राज्य के शूटरों ने धमकी दी थी, तो कहीं किसी से कोई कनेक्शन तो नहीं है। आशीष, इन तमाम बिंदुओं का जांच है वो फिलहाल पुलिस कर रही है, लेकिन अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर इतने बल्क में गोलियां आई कैसे और नाले तक पहुंची कैसे। जी बिल्कुल स्वाभाविक है, इस पूरे मामले में डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे जब जांच में कुछ कदम पुलिस आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस मामले पर जानकारी देने के लिए। मध्य प्रदेश में पिछले 7 महीनों में अपराध में कमी आई है, और इस बात का खुलासा SCRB के आंकड़ों से हुआ। दरअसल भोपाल पुलिस हेडक्वार्टर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 7 महीने में अपराधों में 3.53% की कमी आई है। आंकड़ों के मुताबिक गैंगरेप में 19.01%, महिलाओं के साथ क्रूरता दहेज प्रताड़ना 3.23%, छेड़छाड़ में 9.85% की कमी आई है, और इस तरह महिलाओं के प्रति कुल 7.91% के अपराध में कमी आई है। और इसी तरह संपत्ति संबंधी अपराधों की यदि बात करें तो इसमें 23.22% की कमी आई है, और वहीं हत्या जैसे गंभीर मामलों में 7.15% की कमी आई है, जबकि डकैती के मामलों में 51.56% की कमी आई है। SCRB के आंकड़ों में इस बात की जानकारी मिलती है जिसमें हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती के मामले, महिलाओं के प्रति अपराध में कमी आई है। 7 महीनों में ये आंकड़ा अपेक्षाकृत काफी नीचे गया है, और अपराध पर लगाम लगाने का प्रयास राज्य की सरकार, पुलिस प्रशासन संयुक्त रूप से मिलकर कर रहे हैं। सिंगरौली जिले में सरकारी स्कूल के छात्रों को बांटे जाने वाली किताबें बेचने का एक मामला सामने आया, जिसमें अब एक नया मोड़ बताया जा रहा है। शिक्षक और BRC के बीच बातचीत का एक ऑडियो भी सामने आया जिसमें पुरानी किताबें
फेंकने और झूठे मुकदमे में फंसाने के मामले को रफा दफा करने की बात हो रही है। बातचीत में अधिकारी से लेकर पुलिस कर्मचारी तक की चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 सितंबर को किताबों से भरे कंटेनर को जब्त किया था और 3 दिन पहले इस मामले में पेपरवान स्कूल के हेडमास्टर और एक अधिकारी को निलंबित किया गया था। आपको याद होगा कि स्कूल की किताबें जो बच्चों को बांटी जानी थी उन्हें कबाड़ में बेचे जाने का ये पूरा घटनाक्रम सामने आया था, जिसमें अभी एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। एक ऑडियो जो सामने आया बताया जा रहा, हालांकि इस पूरे मामले में ऑडियो में क्या कुछ बातचीत हुई अभी इसकी सत्यता की जांच जब तक ना हो इसके बारे में कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। रतलाम में सीवरेज का गड्ढा धंस गया और काम कर रहे 2 मजदूर इसमें दब गए। दिलीप नगर में यह हादसा हुआ और गंभीर रूप से घायल एक मजदूर को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था और मेडिकल अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे में कंपनी की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। फिलहाल स्टेशन रोड थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। 9 फीट के करीब ये गहरा गड्ढा था जिसमें एक मजदूर की दबने की वजह से मौत हो गई, क्योंकि उस वक्त वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। दुर्घटना के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, हॉस्पिटल में उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। कंपनी की गंभीर लापरवाही इसमें सामने आई है और दिलीप नगर में बीती रात यह हादसा हुआ था। तो जांजगीर चांपा में गांजे के तस्कर पर पुलिस की नजर लगातार बनी हुई है। करीब 5 किलो गांजे के साथ एक और तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से करीब 45,000 रुपया कैश भी मिला है। पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार कर कार्रवाई की और न्यायिक रिमांड पर उसे भेज दिया गया है। आपको बता दें कि नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर प्रदेश की सरकार और राज्य की पुलिस चल रहे हैं। ऐसे में किसी भी तरह से नशे का सामान लोगों तक न पहुंचे और इस जहर को युवाओं की नसों में घोलने से पहले ही पकड़ लिया जाए, इसके लिए पुलिस पूरी सतर्कता के साथ कार्रवाई कर रही है। और अभी जो मामला सामने आया इसमें करीब 5 किलो गांजा पकड़ा गया है। और इस वक्त कांकेर में भालू की दहशत है। भालू ने एक शख्स पर हमला किया था और इस हमले में शख्स की मौके पर ही मौत हो गई थी। इससे गांव में मातम भी छाया हुआ है और भय भी व्याप्त है। दरअसल सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर वन विभाग की और पुलिस की टीम पहुंची। आपको बता दें कि चारामा वन के टहाका पारा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। अंबिकापुर में एक शख्स से 16 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि ठग ने एक मेडिकल शॉप संचालक को ठेकेदारी में मुनाफा बताकर रुपए लिए और फिर रुपए देने से मना कर दिया। जब दुकान संचालक ने अपने पैसे मांगे तो नुकसान बताकर रुपए देने से इनकार कर दिया। और इस पूरे मामले में ठेकेदारी में हिस्सा देकर झांसा देने का मामला सामने आया और हिस्से का झांसा दिया गया, रुपए नहीं दिए गए। अब जब रुपए मांगे गए वापस तो रुपए लौटाने से इनकार कर दिया, साफ मुकर गया। ऐसे में 16 लाख रुपए की ठगी के इस मामले में अब क्या कुछ कार्रवाई चल रही है, डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि इस तरह की किसी भी झांसे में ना आए जहां रुपयों के लेन देन में कोई वैध दस्तावेजों की का इस्तेमाल ना हुआ हो। ऐसे में ठेकेदारी में हिस्सा देने का झांसा देकर ठगी की गई। और बैतूल में